लाइफ में ना प्रॉब्लम्स कभी कम नहीं होती, लेकिन आपको मुस्कुराने की वजह अपने आप ही ढूंढनी होती है। अब हमारी मिष्टी को ही ले लीजिए, जी हाँ, यानी कि रिया को। अगर सीरियल में आफत है तो बाहर कोरोना की मार है, लेकिन इस सब के बीच में रिया को मौका मिल ही गया मुस्कुराने का। भागी सी एक लड़की बचते बचाते निकल रही थी, लेकिन जब हम हैं आपके सामने तो भाई बचकर कैसे निकल सकती हैं मिस्टी जी। ये मीठी मीठी बातें करती है मिस्टी, इसीलिए तो घर वालों ने उसका नाम मिस्टी रखा है। अब ये मिस्टी सबकी प्यारी है, सबकी दुलारी है, इसीलिए तो आज एक मुलाकात करेंगे आप सबकी खातिर मिस्टी से, जो आज एकदम ताजगी के साथ पहुंची है सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के सेट पर नए नए एपिसोड शूट करने के लिए। हाय गाइस, सो आज मैं एबीपी के साथ हूं एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे कोई भी दूर दूर तक लोग नहीं है, सो यहां पे हमने सोचा कि आपसे थोड़ी सी मुलाकात हो जाए। एंड यस, आज मैं शूट के लिए जा रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड कि कोरोना जैसे कोरोना के टाइम में हम यू नो शूट करें, बट यू नो एक बेस्ट चीज़ ये है कि सेट पे काफ़ी सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जिससे एक्टर्स यू नो दे आर वेरी रेस्ट अश्योर्ड, द होल क्रू इज़ वेरी रेस्ट अश्योर्ड के यू नो चांसेस आर लाइक वेरी लेस। यस, एंड ये एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि वो क्या है, लेकिन हाँ एक बहुत बड़ा एक ट्विस्ट आने वाला है स्टोरी में एंड आई एम श्योर आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा, लेकिन जैसा आप गेस कर रहे हैं उतना आसान भी नहीं है ये। नो खून है, डर है, घबराहट है, पुलिस है और अबीर भी मिष्टी के साथ है, सो यू नो इतनी सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं। अब इस नए एपिसोड में मिष्टी के साथ बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है, कोई है जो उसके साथ खेल खेलेगा। अब वे मिस्टी को कोई डराएगा, उसे परेशान करेगा, ऐसा भला अबीर होने देंगे क्या। बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं आप सबके लिए, सरप्राइज भी है सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के नए एपिसोड्स में। हाँ, एक तरफ बहन है और दूसरी तरफ बीवी, अबीर के आगे एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो किसके साथ होगा, लेकिन हाँ अबीर घर को संभालने वाला एक बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का है, सो वो सबको साथ में लेके चलता है, सो लेट्स सी हाउ अबीर हैंडल्स दिस होल सिचुएशन। अब मिस्टी सेट पर पहुंची है तो जरा देख लीजिए इस सेट पर जाते ही कैसे स्वागत होता है। अब भी कोरोना काल है तो इससे बचने के लिए इस सावधानियां तो हर सेट पर बरती जा रही है, ये क्या आम क्या खास ये सब के लिए अब जरूरी हो गया है। अब मैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुंच गई हूं एंड या वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट द डे। अब जब से हम आप सबके लिए शूट पर हर दिन जा रहे हैं, आप देखते हैं कि सारे एक्टर्स घर से ही खाना लेकर आ रहे हैं। मम्मी जानती है कि बच्चों को क्या खाना पसंद है और इस वक्त हेल्दी रहने के लिए उन्हें क्या क्या खाना चाहिए। तो मम्मी ने कुछ आज बना के दिया है, सम सब्जी रोटी एंड दही एंड सम ड्राई फ्रूट्स। Yeah, don't show. There is my toothbrush also in that. देखते रहिए, अब हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपसे मिलने, so stay tuned. Bye. अब देखा आपने रिया के साथ एक छोटी सी मुलाकात और सेट पर कोरोना वायरस को लेकर क्या क्या सावधानियां बरती जाती हैं, ये सब आपने देख लिया। अब इंतजार कीजिए अबीर का, क्योंकि भाई अबीर से भी तो मुलाकात करनी है, उनसे भी तो जानेंगे कि अब क्या कुछ बदला है उनकी जिंदगी में। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
पहलू इंसान मजबूरी में क्या क्या नहीं बन जाता। वैसे तो गाना है तेरे प्यार में क्या क्या नहीं बना जालिम, लेकिन करेंटली भैया करोना तेरे चक्कर में क्या क्या ना बना मैं जालिम कहे तो बेटर है। वो क्या है ना कि हमारी ये रिश्ते हैं प्यार के की जो कुहू है वो भी बन गए हैं कोरोना काल में कोरियोग्राफर अपने सीरियल के लिए। अब क्या करें, बाहर से कम लोगों को बुलाना है, तो ऐसे में भैया मेक यूज ऑफ द टैलेंट यू हैव। कोरियोग्राफर्स आर नॉट अलाउड ऑन आर सेट, तो मुझे सर ने मौका दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, मुझ पर ट्रस्ट दिखाया कि मैं एक गाना कोरियोग्राफ करूँ। मिस्टी के साथ हर वक्त बहस करने वाली हैशटैग मिस्टी ऐसी है, हैशटैग मिस्टी ने ये नहीं किया, कुछ इस तरह बातें करते हुए आपने कुहू को हमेशा देखा होगा। हैशटैग लड़ाकू छोकरो, हैशटैग आई एम मिसिंग हिम, हैशटैग हैशटैग जेलस फॉर मिस्टी, हैशटैग सोशल डिस्टेंसिंग, यस यस, हैशटैग वेयर योर मास्क प्लीज, और ऐसे सारे, एंड हैशटैग्स डोंट फॉरगेट टू यूज योर सैनिटाइजर्स। लेकिन हैशटैग आज वो ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाली है, क्योंकि आज तो वो अपना एक टैलेंट दिखाएगी, और वो टैलेंट कावेरी का सेट पर हर किसी ने देख लिया है। वो टैलेंट है डांस करना। जी हाँ, कावेरी यानी कि कुहू अब सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार की कोरियोग्राफर बन गई है। मजा आया मुझे, बिकॉज एवरीबॉडी वाज देयर, सारे फैमिली मेंबर्स थे, तो सबको डांस सिखाना वाज एक्चुअली इजी, बिकॉज सब एकदम अच्छे बच्चे की तरह कुहू टीचर की बात सुन रहे थे। एक्चुअली मैं कुहू टीचर बन गई, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक, अरे तू तो कोरियोग्राफी कर रही है, यू लाइक हमारी कुहू टीचर, सबको एक कुहू टीचर की बात मानो। अब वो क्या है ना, एक कोरोना वायरस के चलते इस सेट पर कम ही लोगों को रहने की अनुमति है, तो ऐसे में एक कोरियोग्राफर कहाँ से आएगी भला। और सीरियल के ट्रैक में केतकी की शादी होने वाली है, तो भाई अब ऐसे में इन्हें डांस कौन सिखाएगा, इसका बंदोबस्त कर लिया है प्रोड्यूसर राजन शाही ने। अब कुहू बहुत अच्छा डांस करती है और सारे डांस के स्टेप्स को फटाफट से पिकअप भी करती है, शायद यही वजह है कि उसे अब चुन लिया गया है इस सेट पर सबको डांस सिखाने के लिए। सो इट वाज फन एंड बहुत मजा आया, एंड सरप्राइजिंगली हमने बहुत जल्दी खत्म भी कर लिया वो गाना, हमने 2 घंटे में खत्म कर लिया, और साथ में वो कॉन्सेप्ट भी बहुत अमेजिंग है, आप देखिएगा। हाल ही में इन सब ने एक गाना शूट किया है, जिस गाने को कावेरी ने ही कोरियोग्राफ किया है। अब ये तो केवल एक ही गाना था, आगे तो भाई केतकी का शादी का ट्रैक आने वाला है, जिसमें हल्दी मेहंदी संगीत बारात और न जाने क्या क्या फंक्शंस होंगे, इन सब की भी तैयारी कुहू आप कर लीजिए। और हम जानते हैं कि अगर आगे की जिम्मेदारी भी आपको दी गई तो आप पीछे नहीं हटेंगी। अब कुहू से मिले हैं तो ये भी जरूर देखेंगे कि सेट पर आते वक्त वो अपने साथ क्या क्या सामान कैरी करती है। तो आधे बैग तो यू नो सैनिटाइजर से भरी हुई है मेरी। देन आई हैव दिस लंच, बिकॉज आई हैव दिस लंच बॉक्स जिसमें चारों डब्बे भरे हुए हैं एक्चुअली, बिकॉज हम बाहर का खा नहीं सकते। बॉटल, पानी का बॉटल बहुत ज़रूरी है, इसमें मैं गर्म पानी दादा से बोल के डालती हूँ और मैं वही पीती हूँ। ये पाउच तो ऑब्वियसली माई मेकअप पाउच इज देयर ऑलवेज विद मी, दिस इज समथिंग विच आई कांट लिव विदाउट, आई मीन स्पेशली व्हेन आई एम गोइंग ऑन द सेट्स। ये और एक और पाउच है, सो काफ़ी मेकअप एंड फूड एंड वाटर एंड सैनिटाइजर, बेसिक चीज़ें। यहाँ अब सितारों के पास क्या है क्या नहीं ये जानने की चाह तो भाई सबको होती है, सो देखिए हम आप सबकी चाह को कैसे दिन ब दिन पूरा करते हैं। हर सितारों के पास कोई न कोई नई चीज जानने और देखने जरूर मिलती है।
मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए सास बहू और साजिश में कई बार हमने आपके फेवरेट कलाकार के बैग में क्या होता है ये जरूर बताया है और दिखाया है, लेकिन भैया कुछ तो बदलेगा ना इस न्यू नॉर्मल में। अब क्या करें, लाइफ इन द टाइम्स ऑफ कोरोना है ही थोड़ी डिफरेंट। तो ऐसे में हमारी जो शिवांगी जोशी है, इनके बैग में कोरोना काल में क्या क्या डिफरेंट है, आइए बताते हैं। नायरा यानी कि शिवांगी जोशी को हर वक्त हमने उनके किरदार में ही देखा है, लेकिन आज हम उनके किरदार से नहीं बल्कि खुद शिवांगी जोशी से मिलेंगे, जो कि एकदम चुलबुली सी लड़की है। वो खूब सारी बातें करती है और हाँ, जरूरत पड़े तो बहुत कुछ सिखाती भी है। हाय, बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है और अभी फिलहाल मेरे आस पास कोई नहीं है और हम लोगों ने भी अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया हुआ है, तो आई थिंक मैं मास्क उतार सकती हूँ। वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है, घर से लेकर सेट तक वो खुद ही ड्राइव करके आती है और देखिए अपने साथ जरूरत का सारा सामान भी रखती है। अब शिवांगी के फैंस को हम जानते हैं, वो जरूर जानना चाहेंगे कि इन दिनों शिवांगी का रहन सहन कैसा है, वो अपने साथ किन किन चीजों को रखती है। क्या वक्त होता था जब पहले पर्स में एक खूब सारे परफ्यूम हुआ करते थे, लेकिन आज का जमाना बदल गया है भाई। आज तो बैग में आपको अलग अलग तरीके के सैनिटाइजर मिलेंगे और हाँ, डिजाइनर मास्क भी। मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे मास्क हैं, फिलहाल मैं आपको एक दो दिखा देती हूँ। एक तो ये है ब्लैक मास्क, सारे कलर के मास्क है मेरे पास, तो जिससे वो हर आउटफिट से मैच करे। फिर ये सैनिटाइजर है और कौन सैनिटाइज कर रही है, दिस इट्स नैनो सैनिटाइजर, स्टीम। ऐसे आप अपने आप को भी सैनिटाइज कर सकते हैं, स्टेयरिंग भी सैनिटाइज कर सकते हो और फोन भी। मुझसे ज़्यादा इसे मेरे भाई को यूज़ करने में बहुत मज़ा आता है, उसी उसकी बस घर पे दो हैं। एंड व्हाट एल्स, एक और है मेरे पास, ये फ्यूम वाला सैनिटाइजर जिसे मैंने खोला नहीं है। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज भी सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है और वो है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, जिसके लिए मल्टी विटामिन की दवाइयाँ बेहद जरूरी है। तो मैं अच्छा ही खाना खाती थी पहले भी, हाँ जंक फूड भी खाती थी, वो अब मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ, कहाँ मिलेगा यार। मैंने कुछ मल्टी विटामिन हैं जो मैं पहले नहीं इतना रेगुलरली लेती थी, अभी मैं लेती हूँ, अभी मैं जिंक भी लेती हूँ, अभी मैं विटामिन सी तो लेती ही लेती हूँ, फिर मैं हफ्ते में एक बार विटामिन डी भी ले लेती हूँ। तो देखा ना आपने, अपनी असल जिंदगी में भी कैसी अपनी जिम्मेदारियों को समझती है शिवांगी जोशी। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए एंटरटेनमेंट की यूं तो एक नई शुरुआत हो चुकी है, नए सीरियल्स अब ऑन एयर आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ कलाकार हैं जो घर में फुर्सत के पल और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है आम्रपाली गुप्ता, जो इस समय का भरपूर फायदा उठा रही हैं अपने बेटे के साथ वक्त बिताकर।
कभी चित्रकारी तो कभी जासूसी, कभी कहानी पढ़ना तो कभी साइंस के एक्सपेरिमेंट करना, कुछ ऐसा ही चल रहा है अम्रपाली के घर पर। क्योंकि वो एक बच्चे की माँ है और लॉकडाउन में बच्चों को संभालना हर माँ बाप के लिए थोड़ा मुश्किल भरा हो गया है, क्योंकि घर में ही रहकर बच्चों को बिजी रखना और साथ ही साथ उनके विकास का भी ख्याल रखना ये थोड़ा टफ है। कबीर के साथ में कैसे पूरा दिन बीत जाता है पता नहीं चलता है, और जब तक मैं शूट कर रही थी तो इतना टाइम मैं उसके साथ दे नहीं पा रही थी, उसको मुझे डे केयर में भी डालना पड़ रहा था और ज़्यादातर टाइम मैं उसके साथ नहीं बिता पा रही थी, मोस्टली रात को टाइम मिलता था और कभी कभी ही जो क्वाइट अर्ली राइजर और अर्ली स्लीपर तो वो सो भी जाता था तो मुझे खुद भी गिल्टी फील होती रहती थी। बट इस लॉकडाउन में कम से कम ये मौका तो मिला है मुझे कि मैं अपने बेटे के साथ बहुत सारा टाइम बिता सकूँ, और मैंने बिताया है और बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी हैं। मगर आम्रपाली ने इसे आसान बना दिया है क्योंकि वो खुद भी अपने बेटे के साथ बच्चा बन गई है और उसी के साथ मिलकर विज्ञान के खेल खेलती हैं। ग्लास में कैसे वॉल्केनो बनाना, उसी ग्लास में कैसे साइक्लोन क्रिएट करना, तो आसमान से बरसते बादल बनाकर दिखाना, कुछ यही सब चल रहा है आजकल। आम्रपाली अपने नन्हे कबीर के साथ मिलकर कभी ग्रह मंडल को अपने घर पर उतार लाती है तो कभी बच्चे को बिजी रखने के लिए संगीत की शिक्षा भी देती है। और अगर अपने लिए टाइम मिले तो खुद के लिए फनी वीडियो भी बना लेती है। मगर एक सुपर मम्मा की तरह वो अपने बेटे के साथ इस लॉकडाउन में सुपर बिजी हो गई हैं। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।